हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर तक आपको कंप्लीट करा दिया गया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में आपको के का मान निकालना है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर 19 है। आज मतलब प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे, छोटा सा ही वीडियो रहेगा, क्योंकि बच्चों इसके पहले हमने कंप्लीट करा दिया है 2-3 लेक्चर में। तो आप लोग क्रम से देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको क्रम से लेक्चर मिलता है। 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर रहता है, ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे और आपकी पढ़ाई बेहतर रूप से चल सके। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो क्वेश्चन है आपका 17। ठीक है, 17 नंबर है। ठीक है, आपके पास ए का मान दे के रखा है। ए का मान हमारे पास है, आप भी दे के रखा है, 3 है, -2 है, 4 और -2 है। ठीक है, हमें निकालना, आई बराबर दिया है, तथा आई बराबर दिया है बच्चों। आई बराबर कितना है, आई का आइडेंटिटी है, विकर्ण में आपका 1-1, बाकी अदर अवयव 0-0 है। तो ये आपका आई का मान दिया है। तब हमें निकालना है बच्चों, तब हमें के का मान निकालना है। के का मान अज्ञात है, तो दे के रखा है हमारे पास ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। ठीक है, ये चीज़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों सबसे पहले हमको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं ए का मान रख दूँ, ए का मान कितना है, 3, -2, 4 और -2। ए स्क्वायर है ना, इस बार दो बार यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 3 -2, 4 -2, ये हमारा ए स्क्वायर कहला गया। फिर हमारा के है, फिर के साथ ए, 3 -2 आपका 4 आ गया, और ये भी -2 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 का आई के साथ गुणा करेंगे बच्चों, 2 का आई के साथ, मतलब यहाँ पर थोड़ा देखिए, 2 का आई का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा -2, आई का मतलब 1001। ये ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, ए का ए से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हम कैसे गुणा करते हैं बच्चों, जो हमारा पहला अवयव होता है इसका क्या लेते हैं, पंक्ति लेते हैं, और इसका स्तंभ लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोले 3 त्रिकाई 9, कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 4 2 8। ठीक है, फिर इसका इससे करेंगे तो 3 2 6 और 2 2 4 हो जाएगा। फिर बच्चों दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, तो 4 3 12 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा। फिर इसका आप इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। इधर का ये हो गया कंप्लीट, बराबर। इसमें के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 3 के -2 के, इधर आपको हो जाएगा 4 के, इधर आपका हो जाएगा -2 के। ये ब्रैकेट बंद, इधर माइनस है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 आ गया। ठीक है, ये फिलहाल इतना हुआ बच्चों। आगे देखते हैं, 9 में 8 घटाओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। 6 में 4 घटा दो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 12 में 8 घटाओ तो 4 ही निकल कर आएगा, और यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक, इधर कंप्लीट हो गया। इधर का क्या प्रोसेस है, घटाने का प्रोसेस, जैसे 3 के -2 निकल कर आएगा, इधर आपका हो जाएगा -2 के, +0 है तो कोई मतलब का नहीं है, 4 के, 0 से कोई मतलब का नहीं है तो 4 के ही आएगा, और बच्चों -2 के, तो -2 के और -2 हो जाएगा। ये लो, इतना आपका कंप्लीट, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी को भी लेकर तुलना कर सकते हो, भाई आप भी उस समान है तो अवयव भी समान होगा। तुलना करने पर तुलना किसी को कर दो, सबसे सरल तुलना कौन सा लगेगा आपको, ये वाला लगेगा, यानी 4 के इक्वल 4, तो के इक्वल कितना आ गया, 1। ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपका ये 17 था, इसमें के का मान निकालना था, आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ए बराबर इतना है, तो सिद्ध करना है कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए, यहाँ पे कास अल्फा है, माइनस साइन अल्फा है, और फिर आपका है साइन अल्फा और कास अल्फा है। तो जो भी दे के रखा है बच्चों, इसके आधार पर करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 18। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर आप डाल दो, 18 है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो दे के रखा है बच्चों, वो चीज़ तो आप लिख ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कि जो भी दे के रखा है उसको अपन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है आपके पास a बराबर, ये दे के रखा बच्चों 0 tan² α/2, ये माइनस में है, यहाँ पर आपका tan α
बाई टू, अच्छा स्क्वायर नहीं है ना, इस स्क्वायर को हटा दो, यहाँ पे आपका जीरो है, ठीक। यहाँ पे माइनस टेन अल्फा बाई टू है और यहाँ पे प्लस टेन अल्फा बाई टू है। सिद्ध क्या करना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सिद्ध करना भाई साहब आई प्लस ए मतलब आइडेंटिटी हो गया बराबर आई माइनस ए, फिर इधर आपको मल्टीप्लाई करना है कास अल्फा साइन अल्फा, मतलब इसको सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड के बराबर है, इधर आपका माइनस साइन अल्फा और इधर आपका है कास अल्फा, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर माना मानकर चलें क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है, गुणा करेंगे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम माना मान के चलते हैं बच्चों। माना यदि हम टेन अल्फा बाई टू को टी मान लें, टी मान लिया हमने, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि चूंकि साइन अल्फा का फार्मूला और कास अल्फा का फार्मूला, कास अल्फा का हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये टू का होता है इसलिए अल्फा के लिए अल्फा बाई टू कर देंगे। साइन टू अल्फा का हो जाएगा टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और नीचे बच्चों वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन अल्फा का जो माना जाएगा टू टी स्क्वायर अपान, ठीक है वन माइनस या वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर आपका कास अल्फा बराबर आ जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर अपान वन प्लस टी स्क्वायर, ये अपन मान सकते हैं क्योंकि यहां पर करेंगे सॉल्व बच्चों तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब कौन सा पक्ष लेकर चलेंगे, पहले अपन देखिए यहां पर दो पक्ष है, यहां पे तुम्हारा दो पक्ष है, एक लेफ्ट और एक राइट, तो पहले आप जो भी लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं जो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब आई धन ए, आई का मतलब क्या होता है तत्समक वन जीरो जीरो वन, ठीक है, और ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ए बराबर जीरो हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा और यहाँ पर टी जो हमने टी माना है तो उसको टी रख दिया, जब इसको करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा वन जीरो जीरो वन, ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है आई प्लस ए के बराबर आ रहा है, तो जब जीरो वन का जीरो से जुड़ेगा तो आपका प्लस, चलो एक बार और लिख देता हूँ भाई रिपीट हो ही गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये निकल कर आ जाएगा वन माइनस टी और आपका टी है ना और ये आपका हो जाएगा वन, ठीक है वन माइनस टी आया और ये आपका टी है और वन है, इसको आप समीकरण एक दे दो, इतना ही हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना, अब हमको राइट हैंड साइड लिखना है, राइट हैंड साइड है आपका आई माइनस ए इंटू इंटू आपका है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कास अल्फा, ठीक इतना क्लियर है, ठीक है। तो इसके जगह अपन वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़ेशन है, गड़बड़ेशन ये बच्चों यहाँ पर आपका जो स्क्वायर लगा है ना, यहाँ पे आपको टेन स्क्वायर दिख रहा है ना, ये टेन अल्फा बाई टू होता है, तो यहाँ पे जो टू टी स्क्वायर है ना तो टू टी होगा, ये हमें ऐसा लग रहा है गलत है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि जो साइन टू अल्फा का होता है टू टेन अल्फा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर लग गया है, तो आप लोग भी स्क्वायर हटा देना तभी आंसर आएगा, नहीं तो प्रूफ करते समय आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो अपना आई माइनस ए है बच्चों, यहाँ पर अपना प्लस था तो आई का मान कितना है आप ही बताओ, आई का मान अपना कितना है वन जीरो जीरो वन, ये तो क्लियर है। माइनस ए, ए का मतलब कितना हो जाता है भाई, हमारे पास है ए का मान, ए का मान है अपने पास जीरो, यहाँ पर देखो ना जीरो माइनस टी और टी फिर जीरो हो गया, फिर भैया इसको अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा आप भी हमें निकल कर आया है, कास अल्फा का है वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे साइन अल्फा का है टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, इसका मान है हमारा साइन अल्फा टू टी, ये माइनस में तो माइनस में रहेगा अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और कास अल्फा का है वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर,
थोड़ा लंबा चौड़ा आने वाला है, पर निश्चिंत रहें सब कुछ बनेगा, आपसे बनेगा। वन है तो आपका वन हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है प्लस है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो तो टी हो जाएगा, इस माइनस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका वन हो जाएगा। इसका जो मल्टीप्लाई होने वाला है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये लंबा चौड़ा है, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस टू टी है अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर है, फिर यहाँ बच्चों टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पर अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर है। चलो इसका यदि आप गुणा कर लिए तो सब कुछ कर लिए, मतलब आप महारथी हो। कैसे गुणा किया जाता बच्चों, पहला पंक्ति है पहला अव्यूह, मतलब जो स्तंभ है इसके साथ पहला पंक्ति है पहला स्तंभ, इसका गुणा इससे होगा तो सेम ही रहेगा, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, फिर बीच में करते हैं प्लस, इसका गुणा इससे तो टू टी का स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर। फिर क्या करते हैं बच्चों, ये पहला जो आपका पंक्ति है दूसरे स्तंभ के साथ, तो वन का टी से तो आपका टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, टी का इससे करेंगे, टी का इससे करेंगे तो टी एक कम टी और माइनस टी का क्यूब अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। चलिए फिर दूसरा जो हमारा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति उसको पहले के साथ, तो टी का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टी और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर, एक का गुणा इससे होगा बच्चों तो टू टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। फिर जो हमारा दूसरा पंक्ति है दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो टी का होगा तो माइनस माइनस प्लस टू टी का स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर होता है, एक का गुणा इससे होगा तो वन का माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। ये लो भाई, थोड़ा लंबा चौड़ा खींच के आया लेकिन कुछ आसान सा आया। अगले स्टेप में दोनों सेम है बच्चों, तो आपका यदि सेम है तो एलसीएम भी दोनों सेम आएगा, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा, वन माइनस टी का स्क्वायर और प्लस टू टी का स्क्वायर, ये सेम रहेगा, ठीक है। नीचे भी सेम है तो वन प्लस टी का स्क्वायर सेम है बच्चों, आपका ऊपर आ जाएगा टू टी प्लस टी माइनस टी का क्यूब। ऐसे नीचे भी हमारा जब सेम रहता है तो एलसीएम में कोई परेशानी नहीं होती, बहुत आसान होता है, और ऊपर जो रहता है उसको लिख देते हैं टी माइनस टी और प्लस का टी स्क्वायर प्लस का टू टी। ऐसे यहाँ पर भी देखो वन प्लस टी स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा टू टी स्क्वायर और आपका हो जाएगा प्लस वन माइनस टी का स्क्वायर। इसको आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो आसानी से बनेगा। देखिए ज़रा टी स्क्वायर से यहाँ पे आया तो वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वन प्लस टी स्क्वायर है ये ऑलरेडी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देखो ज़रा, यहाँ टू टी में एक टी घटा दो तो माइनस टी आ जाएगा, तो माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वन प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका देखिए टी स्क्वायर, ठीक है, टू टी में एक टी घटा दो तो वन, गड़बड़ आ रहा है क्या, टू टी में एक टी घटा दो तो यहाँ पे कहीं पे गुणा गड़बड़ होगी। गुणा गड़बड़ ये होगी कि जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई किए तो ठीक है, टी का तो टी हो गया, टी का यहाँ पे टी क्यूब है, सही बात है भाई, टी क्यूब है, टी क्यूब है, ठीक है। तो टी कामा ले लेंगे भाई, टू टी में एक टी घट जाएगा तो टी प्लस टी क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर वन प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। चलो ठीक है, ये लो भाई, सेम आएगा तभी तो कटेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप टू टी में एक टी घटाओ माइनस टी आएगा, लेकिन फिर से टी कामा लेंगे तो आपका माइनस टी कामा लेना पड़ेगा बच्चों, माइनस टी कामा लेंगे तो माइनस टी कामन आएगा क्या, टू टी स्क्वायर में एक टी स्क्वायर तो केवल बच रहा है, केवल कितना बच रहा है, वन प्लस टी स्क्वायर बच रहा है और नीचे भी वन प्लस टी स्क्वायर बच रहा है भाई। देखो ना, वन टू टी स्क्वायर में एक टी स्क्वायर घटा दो तो वन प्लस टी स्क्वायर, मतलब ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये खत्म, ये आपका हो गया। बड़ा लंबा चौड़ा ये पूरा का पूरा कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे कटेगा टी बचेगा, यहाँ पे बचेगा टी कट बचेगा, यहाँ पे बचेगा तो एक बचेगा, मतलब जो हमें फाइंड होने वाला है वो कितना आ रहा बच्चों, तो आपका निकल कर आ रहा है आई माइनस ए, फिर इसका हमने मल्टीप्लाई किया था इससे कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कास अल्फा,
इसका जो वैल्यू निकल कर आया था बच्चों, इसका जो वैल्यू निकल कर आया था वन, ये टी, और यहाँ पे आपका माइनस टी निकल कर आया था, यहाँ पे वन आया। आप देख सकते हो इसको समीकरण दो दे दो, देख सकते हो यही आया ना अपना वन माइनस टी, टी और वन। अब देखो समीकरण जो आपका एक था और समीकरण दो था, ये दोनों बराबर हैं, सही है कि नहीं? तो आप लिख सकते हो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से आपका वन प्लस जो आई प्लस ए जो आया वो बराबर है आई माइनस ए, और इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और एक कास अल्फा, ये हमारा सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था बच्चों, कंप्लीट क्लियर। ये लो दो क्वेश्चन में ही टाइम लग गए, थोड़ा सा क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो इसके पहले के जो भी वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप लोग बेहतर रूप से कर सकते हैं। अगला आप क्वेश्चन देखो, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, इसको दो भिन्न भिन्न प्रकार से बांडों में, है ना, बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड में 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, तो आप भी गुणन का प्रयोग करके निर्धारित कीजिए कि जो आपका, ठीक है, 30,000 रुपयों की कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना रुपए हो जाए बच्चों, 1800 रुपए हो जाए। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया, यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 19 है ना कि व्यापार संघ के पास कितना कोष, मतलब कोष में रुपया कितना है भाई। तो व्यापार, यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, व्यापार संघ के पास कोष में कितने रुपए बच्चों, कितने, 30,000 रुपए हैं, 3,000 है एक और इतने 30,000 रुपए हैं। इसमें क्या बोला है कि दो भागों में बांटना है, ठीक है, माने मैं यदि मान लूं कि माना एक भाग, या ऐसे बोल दूं प्रथम ब्रांड के पास बांड लिखा है इसमें, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि प्रथम के पास मान ली एक्स, प्रथम के पास एक्स है, तब दूसरे के पास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 3,000 में, 30,000 में हम एक्स को घटा देंगे, मतलब पहले के पास यदि एक्स राशि है तो दूसरे के पास कितना होगा, 30,000 में एक्स घटा देते हैं, प्रथम के पास एक्स है तो दूसरे के पास कितना होगा, 30,000 माइनस एक्स। आगे बोल के रखा है कि प्रथम बांड के पास 5% है, ठीक है, प्रथम बांड के पास, कितना बच्चों, कोष का 5%, कोष का 5% अर्थात, कितना, 5/100, इसको हम लिख सकते हैं 0.05, ठीक है। और दूसरे के पास बच्चों, यानी द्वितीय, बांड के पास कोष का 7% अर्थात 7/100 यानी 0.07, इतना भाई साहब, प्रथम बांड के पास है और दूसरे के पास है 0.07। यहां पर आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लें तभी आप समझ पाएंगे। इसके बाद बोला है कि किस प्रकार बांटे कि व्यापारी संघ के पास कुल वार्षिक ब्याज 1800 होगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, देखिएगा, जो पहला हमारा है भैया एक्स है और 30,000 माइनस एक्स है, ये 30,000 है, ठीक है, और ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। यदि इनके परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज हो जाएगा आपका 0.05 और 0.07 है, और इसका जो टोटल है संघ के पास वार्षिक ब्याज, तो आपका भाई ये परसेंटेज है, तो ये आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा 1800, ठीक है, ये चीज है। यहां पर एक चीज और है, प्रथम बांड के पास कोष का 5% अर्थात 0.05 ब्याज लगता है, ठीक है, ब्याज, होता है, ठीक है, और दूसरे के पास इतना ब्याज होता है, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा ना भाई कि ब्याज की बात कर रहा है क्या कर रहा है, तो इस प्रकार से होगा। अब आप कहोगे इसको सीधा कर देंगे तो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, इसका जो पंक्ति इसके स्तंभ से तो 0.05x, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7 * 3 = 21 हो जाएगा, कितने जीरो, 1 2 3 4
कितने अंक के पहले, दो अंक के पहले, तो यहाँ पर आप फिर x, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा x के साथ नहीं होगा, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका इससे 0.07x बराबर 1800। कितना आता है देखो, कैलकुलेशन करते हैं भाई, इसको इससे घटा दो, इसको इससे घटा दो, तो कितना आएगा 0.02x, और ये आपका इधर जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका 1800 माइनस 2100, ठीक। तो इसको यदि 2x कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 100, इधर यदि घटा दो बच्चों तो कितना आ जाएगा 300, ठीक है, फिर इसको यदि काट दो तो 50 आएगा, और x बराबर 5 × 3 = 15 और ये 15000 रुपये आ गया, x बराबर 15000। यानी कहा है भैया कि किस प्रकार बांटें, तो व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 हो, तो इसमें आप लिख सकते हो अतः प्रथम बांड पर, है ना, या दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों को निवेशित करना है, प्रथम बांड को प्राप्त धन या कोष आप लिख सकते हो 15000, तथा दूसरे बांड के पास कोष का धन कितना आपका 15000 रुपये, ये हो गया दोनों को बांट दी। इसी प्रकार दूसरे के लिए बात करते हैं बच्चों, दूसरा कंडीशन है ना, कंडीशन सेकंड आपका है, कंडीशन आपका सेकेंड ये बोल के रखा है कि x है और 30000 माइनस x है, ठीक है, और जो आपका ब्याज है 0.05 है, 0.07 है, और इसका जो टोटल ब्याज हो रहा है वो 2000 है, इस बार 2000 के बराबर है, मल्टीप्लाई उसी प्रकार से होगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.05x, इधर आपका 7 × 21 कितने जीरो बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दशमलव लगा दो, ये 21 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 0.07x, ठीक है, ये हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो माइनस में 0. यहाँ पे भाई माइनस प्लस को हमने ध्यान ही नहीं दिया है, तो इसलिए माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, 0.02 आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इधर जाकर बच्चों 2000 में 2100 घटा देंगे तो 0.0x बराबर माइनस 100 आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म का है, 0.02x बराबर 100 हो जाएगा, इसको यदि आप 2x करोगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 100 × 100, है ना, तो x बराबर आप कितना आएगा 5000 रुपये, ठीक है, यानी प्रथम ये आपका आ चुका है, प्रथम बांड के पास, बांड के पास x बराबर 5000 रुपये, तो दूसरे बांड के पास, बांड के पास कितना हो जाएगा 30000 में आप 5000 घटा दो, यानी 25000 आ गया रुपए बच्चों। इसके बाद आपका एक आखिरी क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन का आप लोगों को लगाना है कि भाई साहब एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः इतने कोटि के हैं, इस कोटि के हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे देख रखा है 2 × n और बाई का है 3 × k, इसको मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, आसानी से कर लोगे आप लोग, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन में तो इतना ध्यान के देना भैया कि बोल के रखा है एक्स जो है 2 × n कोटि का है, जो बाई है बच्चों वो 3 × k कोटि का है, जो आपका जेड है वो 2 × p कोटि का है, और आपका जो है जेड है वो हो गया, डब्ल्यू जो है 3 कोटि का है, और पी जो है 3 × k कोटि का है। तो बोलना है भैया यहाँ पे देखो, कंडीशन बोल के रखा है कि पी बाई धन डब्ल्यू बाई के लिए एन के और पी में क्या संबंध होगा। देखो भाई, जब भी ये जुड़ता है ना, मतलब इसकी कोटि समान होनी चाहिए, तो ये तो प्लस है तो इसकी कोटि समान ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो गुणा है पी बाई में क्या होगा, पी की कोटि कितनी है आपके पास, पी की कोटि है पी इंटू के,
और बच्चों वाई की कोटि कितनी है आपके पास, 3 × k। हमेशा ये बराबर होता है, जब भी गुणा में होता है तो ये बराबर होता है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसकी कोटि जो निकल कर आएगी, इसकी कोटि निकल कर आएगी पी गुणा की, ये पी बाई की कोटि निकल कर आ गई। और के बराबर आपका कितना आया, 3 आया, कोई दिक्कत नहीं है। के बराबर 3 आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये तो है ही नहीं, तो दो फाल्स हो गए। इसके बाद डब्लू बाई आप निकालो, डब्लू बाई डब्लू कितना है, एन गुणा 3, और बाई का मान कितना बच्चा, बाई का मान है 3 गुणा 1। देखो ये बराबर होना ही चाहिए, गुणा में ये बराबर ही रहेगा दोनों, तो इसकी जो कोटि है एन गुणा के है। अब इसकी कोटि समान होगी तभी जुड़ सकता है, तो ये के बराबर है तो कब जुड़ेगा, जब पी बराबर एन हो, जब पी बराबर एन हो, तो ये भाई दोनों समान है, तो जब पी बराबर एन हो तभी कोटि बराबर कहलाएगी। मतलब आपका पहला नंबर सही हो जाएगा कि के बराबर 3 है, पी बराबर एन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखो कि भाई साहब यहाँ पर 7x - 5z की कोटि क्या है। चलो भाई x और z की कोटि देखो, x की कोटि अपने पास कितनी है, x की कोटि 2 × n, और z की कोटि कितनी है अपने पास, z की कोटि है xyz 2 × p, ठीक है, ये बोल के रखा है। तो ये जो आप जोड़ना हो या घटाना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, तो इसमें होता क्या है बच्चों कि कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, तो इसकी कोटि और इसकी कोटि समान होगी तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो अब आप देखो यहाँ पर, आप देखो इनका आप देख लो थोड़ा सा, ये वाला वैल्यू आप फाइंड करो। बोल के रखा है ना कि n बराबर p है, मतलब जितना n है उतना ही p है, बोल के भी रखा है कि n और p समान है। तो आपका जो कोटि कितना निकल कर आएगा, जितना इसकी कोटि है उतनी ही इसकी कोटि होनी चाहिए, बस सिंपल है, ज़्यादा झंझट ही नहीं है ना। जितनी इसकी कोटि है उसकी इतनी भी कोटि होनी चाहिए, थोड़ा समझो। ये दोनों कब जुड़ेंगे, मान लो यहाँ पे 7x है, इससे लेन देन नहीं है, इसकी कोटि समान होनी चाहिए, मतलब ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो भाई ये इसके बराबर हो तब जुड़ेगा, तो आखिरकार यही कोटि आना चाहिए, सिंपल है और कुछ नहीं बच्चों, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन बराबर पी बोल के रखा है ना, एन और पी बराबर हैं, इसलिए कोटि 2 × एन का होना चाहिए। कंप्लीट, तो प्रश्नावली ही कंप्लीट हो गया, हमारा प्रश्नावली ही कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।